हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फेमिनिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारा मेन फोकस आज के टॉपिक में सिंथिया एनलॉय, एक फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस थियरिस्ट थी, इसकी व्यूज के बारे में रहेगा। नाउ फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसका जो मेजर फोकस है वो है कि वुमन को इंटरनेशनल रिलेशंस में कंप्लीटली साइडलाइन किया गया है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो थियरीज, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज हैं इनमें बहुत ज्यादा जेंडर बायस है। ये मर्द मैन को फेवर करती है और वुमन को कंप्लीटली इग्नोर करती है। नाउ और जो आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस में है, जब हम इनको फ्रॉम मेल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे दे में हेल्ड वैलिड, लेकिन जब वुमन के एंगल से देखेंगे दे में नॉट बी ट्रू। तो मेन फोकस जो फेमिनिज्म का यही है कि इस इनइक्वालिटी को, जो एक वुमन साइडलाइन हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसको एड्रेस किया जाए, इसको हाईलाइट किया जाए। और इनका यह मानना था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा बायस है, यानी जो मैस्कुलाइन आइडियाज और वैल्यूज हैं वो उनको एम्फसाइज ज्यादा किया गया है, उनको हायर वैल्यू दिया गया है, जबकि जो फेमिनाइन कॉन्सेप्ट या फेमिनाइन वैल्यूज हैं उनको लेसर प्रायोरिटी दी गई है, इनको लेसर वैल्यू किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इन इंटरनेशनल रिलेशंस, बींग रेशनल, बींग एम्बिशियस, बी स्ट्रंग इज कंसिडर्ड ए वेरी गुड क्वालिटी, वाइल एज बींग इमोशनल, पैसिविटी एंड वीकनेस, दिस इज कंसिडर्ड एज ए वेरी नेगेटिव क्वालिटी। सो फेमिनिस्ट्स का ये मानना था कि इस चीज को हम एड्रेस करें कि जो फेमिनाइन वैल्यूज है, जो वुमन को इग्नोर किया गया है, इस चीज को एड्रेस किया जाए इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में। नाउ जो ये फेमिनिस्ट्स है, इनका ये मानना था कि इस मेलनेस को जो प्रिविलेज दी जाती है और फीमेलनेस को लेस प्रिविलेज दी जाती है, इसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस में एक जेंडर हायरार्की को जस्टिफाई किया गया है। और दैट इज व्हाई दे क्वेश्चन द बोथ मेथोडोलॉजी एज वेल एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्लासिकल थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि उन्होंने टोटली जो सबॉर्डिनेशन है वुमन की, जो वुमन को कंप्लीटली डोमिनेट किया गया है विद इन द डोमेस्टिक पॉलिटी, उस चीज को जो ये थियरीज है वो एड्रेस नहीं करती है। दैट इज व्हाई दे क्वेश्चन द वेरी बेसिस ऑफ द थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। फॉर एग्जाम्पल रियलिस्ट थियरी में जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, तो फेमिनिस्ट्स के नजदीक सिक्योरिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुल्क को किसी बाहर के पावर से बचा सके, बल्कि सिक्योरिटी का ये भी मतलब होता है कि इसकी वजह से हम जो वुमन है उनकी जो सबॉर्डिनेशन है वो कंटिन्यू रहे। यानी जो फेमिनिस्ट्स है उन्होंने लिंक किया है इंटरनेशनल रिलेशंस को वुमन की सबॉर्डिनेशन से। अब फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस को एड्रेस किया है एक इंपॉर्टेंट सेमिनार ने, जिस सेमिनार को कंडक्ट किया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इन 1988, जिसमें ये डिस्कस हुआ कि फेमिनिज्म का क्या रोल है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो सिंथिया एनलॉय थी, उसने अपनी एक फेमस किताब पब्लिश की, बैरानाज बीजेस एंड बेसिस मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये जो किताब है 1989 में पब्लिश हुई। और इस किताब में जो सिंथिया है ये जेंडर ब्लाइंडनेस को एड्रेस करती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिसी मेकिंग में जो है जेंडर को एड्रेस नहीं किया जाता है। कि ये इनका ये आर्गुमेंट था कि इवन दो वुमन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन एकेडमिक सर्कल्स में हम वुमन को नहीं देखते हैं। इसी तो जो बेसिक आर्गुमेंट था इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो पहला ये था कि वुमन वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, येट उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। और वर्ल्ड पॉलिसी मेकिंग में वुमन इन्फ्लुएंस तो करती है, लेकिन उस इन्फ्लुएंस को प्राइवेट करार दिया जाता है और उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो इसके इन आर्गुमेंट्स पे ये अपनी थ्योरी बिल्ड करती है। नाउ यहाँ पे एक वर्ल्ड इकॉनमी में जो वुमन के रोल के बारे में जो एनलॉय का मानना वो ये है कि वर्ल्ड इकॉनमी में जो वुमन है वो सबॉर्डिनेटेड पोजीशन है, वुमन आर डूइंग लो स्टेटस लो पेड जॉब्स लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, सर्विंग एटसेट्रा। तो मैक्सिमम जो लो एंड वर्क, इवन दो इट हैज अ मेजर रोल, बट वो जो
लोअर पोर्शन है वो वुमन करती है। बनाना जो इसकी बुक में था वो ये था कि किस तरह से साउथ अमेरिका में जो बनाना प्लांटेशन होती है उसमें वुमन का बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन जब डिसीजन रिगार्डिंग चाहे इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग ऑफ बनाना हो वहां पे वुमन को कंसल्ट नहीं किया जाता है। इसी तरह से जो वुमन का रोल है एज डिप्लोमेटिक वाइव्स, जो वर्ल्ड डिप्लोमेट्स हैं उनकी जो वाइव्स है या जो मिलिट्री बेसिस में वुमन अपना रोल किरदार जो है अदा करती है, इसी तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री में जो वुमन का बहुत ज्यादा रोल है, तो वो उस पे वर्ल्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक वाइव्स है या जो मिलिट्री बेसिस में वुमन का रोल है उस चीज को ज्यादा फोकस या उस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है, बल्कि उस इन्फ्लुएंस को प्राइवेट करार दिया जाता है, उसको प्राइवेट मैटर करार दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द डिप्लोमेटिक वाइव्स डू प्राइवेटली इन्फ्लुएंस द डिप्लोमेट्स हु आर एंगेज्ड इन वर्ल्ड नेगोशिएशन ऑन वर्ल्ड ट्रीटीज, लेकिन उस इन्फ्लुएंस को प्राइवेट करार दिया जाता है। जबकि एनलॉय का ये मानना है कि वी नीड टू एड्रेस दैट इन्फ्लुएंस आल्सो, दैट वुमन हैज द रोल टू प्ले इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बट व्हाई इज दैट रोल नेग्लेक्टेड। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में तो जो बुक का इसका टाइटल था बनानास, यानी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रोल है, इसी तरह से बेसिस यानी मिलिट्री बेसिस में जो वुमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी अगर अमेरिकन डोमिनेशन वर्ल्ड पे है जो बिकॉज ऑफ द बेसिस, और बेसिस अगर स्टेबल है दे आर बिकॉज ऑफ द वुमन। इसी तरह से अगर किसी कंट्री का टूरिज्म सेक्टर है, अगर टूरिज्म सेक्टर सस्टेन कर रहा है वो सेक्टर इसलिए सस्टेन कर रहा है बिकॉज ऑफ द वुमन, बट व्हाई डज नॉट वुमन आर टेकन सीरियसली इन इंटरनेशनल रिलेशंस, या उस रोल को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ये आर्गुमेंट थे सिंथिया एंड लॉय के। नाउ इस किताब को जो सिंथिया एनलॉय की थी, इसको ग्राउंड ब्रेकिंग या लैंडमार्क क्यों कहा जाता है कि इसने एक अलग नजरिया दिया इंटरनेशनल रिलेशंस में। इसने एक्सपोज किया कि किस तरह से जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इसमें वुमन को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है, किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में ज्यादा स्टेटस मैस्कुलिनिटी को दिया जाता है ओवर द फेमिनिनिटी, और जो हमें कंसेप्ट जो हमें थियोरीज इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जाता है कि जो हमको नेचुरल लगता है कि वो उतना भी नेचुरल नहीं है, बल्कि वी नीड टू डिग आउट डीपली इन द इंटरनेशनल आइडियाज, इन द इंटरनेशनल थियरीज, इन द इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स टू फाइंड आउट द जेंडर बायसनेस अमंग देम। जो सिंथिया एनलॉय का एक आर्गुमेंट था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ डेबिट इन्वेस्टमेंट कॉलोनाइजेशन नेशनल सिक्योरिटी डिप्लोमेसी ट्रेड दे आर फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स वुड हैव अस बिलीव। यानी इन्वेस्टमेंट कॉलोनाइजेशन नेशनल सिक्योरिटी डिप्लोमेसी, अगर हमें इस चीज को समझना है इसके लिए जरूरी है कि हम इसको डीपली अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से ये चीजें जेंडर बायस्ड है, किस तरह से ये चीजें जेंडर जो बायस है इंटरनेशनल रिलेशंस में उसको सस्टेन करती है। देयरफॉर जो मेन आर्गुमेंट सिंथिया एनलॉय का था या इसकी थ्योरी का ये था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल प्लेड बाय वुमन इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड देन वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट रोल। तो ये वो इसने प्रूव कर दिया कि किस तरह से इकोनॉमी में वुमन रोल प्ले करती है, किस तरह से टूरिज्म में वुमन रोल प्ले करती है, किस तरह से मिलिट्री में वुमन रोल प्ले करती है, किस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन में वुमन रोल प्ले करती है, बट दैट रोल इज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट, वी नीड टू अप्रिशिएट दैट।